Hello everyone, welcome back to my channel. I'm Smita. I wish you all a very happy new year and I wish ki ye saal hum sab ke liye bahut acha ho. To naye saal ke pehle video mein main aapko ek simple sa bottle art karke dikhane wali hu jo bahut hi simple hai aur koi bhi try kar sakta hai. To chaliye video ko start karte hain. Yahan maine ek glass bottle liya hai aur base coat acrylic white karungi. आप व्हाइट एक्रेलिक के जगह व्हाइट जेसो भी यूज़ कर सकते हैं. होममेड जेसो की रेसिपी मैंने अपने चैनल में अपलोड किया हुआ है, तो आप लोग डेफिनेटली एक बार चेक कीजिए. वो काफ़ी सस्ता भी पड़ता है हमें. यहाँ मैं एक ही कोट अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि इसके ऊपर मैं दूसरे कलर से कोट करने वाली हूँ. अगर आप बेस कोट के ऊपर डायरेक्ट डिज़ाइन बनाते हैं तो हमेशा दो कोट अप्लाई कीजिए. टॉप कोट के लिए मैंने प्रशियन ब्लू और व्हाइट एक्रेलिक कलर लिया है. ये बॉटल पेंटिंग के लिए मैं बस दो ही कलर यूज़ कर रही हूँ, व्हाइट और प्रशियन ब्लू. मेरे पास बहुत सारे मेल्स और मैसेज आते हैं कि मैम आपका काम बहुत ही अच्छा है, पर हम लोग बिगिनर्स हैं तो हमारे लिए भी कुछ नया सिखाइए. तो आज के ये बॉटल पेंटिंग मैं बिगिनर्स के लिए बना रही हूँ. बहुत ही ईजी है, बहुत ही सिंपल है, कोई भी ट्राई कर सकता है. टॉप कोट के लिए मैंने स्पंज यूज़ किया है क्योंकि ये इफ़ेक्ट जो है स्पंज से ही अच्छा लगता है, ब्रश से इसका इफ़ेक्ट अच्छा नहीं आता है. तो स्पंज ही यूज़ कीजिए ये टॉप कोट के लिए. बस ऊपर प्रशियन ब्लू और नीचे वाइट यूज़ करेंगे. एक ही स्पंज से भी हो जाएगा. आप हमें इतना नहीं सोचना है कि ख़राब हो जाएगा कलर, कुछ भी होगा. आप बिना सोचे समझे भी कलर कर सकते हैं. बस हमें इतना ध्यान देना है कि कलर अच्छे से मर्ज हो जाए. मैं यहाँ थोड़ा वाइट कलर और ऐड कर रही हूँ क्योंकि थोड़ा डार्क लग रहा है इसके ऊपर जो भी फ्लावर बनाएंगे, नहीं तो फिर वो दिखेगा नहीं, इसलिए थोड़ा वाइट कलर ऐड कर रही हूँ. ये हो गया है हमारा कलर, अभी इसे ड्राई होने रखते हैं. कलर कम्प्लीटली ड्राई हो गया है. अभी प्रशियन ब्लू से ही हमें थोड़ा सा ओवल शेप जैसा बना लेना है. थोड़ा पास पास बनाएंगे क्योंकि इसके ऊपर हम लोग फ्लावर बनाएंगे. फ्लावर की पेटल्स बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 3D गोल्ड एक्रेलिक कलर यूज किया है. आपको बिना सोचे समझे ही फ्लावर्स की पेटल ड्रॉ करना है. आपको जो शेप का फ्लावर अच्छे से आता है वो शेप का फ्री हैंड ड्रॉ कीजिए. ये बनने के बाद वैसे भी बहुत अच्छा लगेगा. अब मैं यहाँ पे 3-4 सर्कल ड्रॉ कर रही हूँ. इसमें भी मैं दो कलर ही यूज कर रही हूँ, एक व्हाइट एक प्रशियन ब्लू. इसके ऊपर भी 3D आउटलाइनर से आउटलाइन बना लेना है. व्हाइट ऐड करते ही ये कितना ब्राइट लग रहा है, तो थोड़ा सा व्हाइट ऐड ज्यादा कर सकते हैं आप. ऐसे ही हमें दूसरे साइड में भी सेम डिजाइन बना लेना है.
डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है, अच्छे से ड्राई हो गया है। अभी 2 से 3 कोट हम अच्छे से वर्निश करेंगे ताकि उसके ऊपर जो भी शाइनिंग इफेक्ट आए ना, उससे हमारा बॉटल और भी ज़्यादा सुंदर लगे। ये कंप्लीट हो गया है। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। बिगिनर्स आपको बहुत इजी भी लगा होगा, तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए, ज़रूर बनाइए और मेरे साथ शेयर कीजिए। इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कीजिए, वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं आप लोग। थैंक यू सो मच। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।